है कि परिवारवाद को कांग्रेस बढ़ावा दे रही, इस पर आप क्या कहेंगे? अब राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हो जाते हैं तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह एमपी हो जाते हैं, वहाँ परिवारवाद नहीं है। और हमने हमारे जयपुर अधिवेशन का जो एक वो निकला है निष्कर्ष, उसमें ये था कि जो हमारे परिवार का बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, कांग्रेस में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, तो उसके नाम पर विचार किया जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा। उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि मैं NSVI के टाइम से ही कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, मैं दिल्ली कॉलेज में दयाल सिंह कॉलेज में प्रेजिडेंट रहा, तब से मैंने NSVI ज्वाइन की, फिर मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा प्रदेश में, और आज वाइस प्रेजिडेंट के रूप में कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। तो एक 25 वर्ष का मेरा लंबा अनुभव है। मैं नहीं समझता हूँ कि वंशवाद का आरोप मुझ पर लग सकता है। आपके अगेंस्ट जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी सीनियर लीडर हैं, 4 वर्ष हमारे प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हरिद्वार तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ किया होता तो 4 साल बाद उनको हटाया क्यों गया, ये बहुत बड़ा सवाल आज भी लोगों के जनमानस में है। और आज वो एक कैंडिडेट बन के आए हैं हरिद्वार में, लेकिन उनको अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं। और कांग्रेस के पास हरीश रावत जी की धरोहर, उन्होंने चाहे केंद्र में मंत्री के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने हरिद्वार में घाट क्षेत्र, जहां लोग अपनी लड़की को विवाह कराना पसंद नहीं करते थे, आज वहां उस क्षेत्र में इतनी खुशहाली है, वहां 19 पुल उन्होंने बनाने का काम किया अपने कार्यकाल में। इस तरह के सिडकुल लगाने का काम कांग्रेस के टाइम में ही हुआ। तो हरिद्वार का जो आज हरिद्वार नंबर 1 पर जो है, उसके पीछे कांग्रेस की सोच रही है।